वेलकम टू टेली टॉकीज। वेल दोस्तों, कोरोना की वजह से एक के बाद एक बड़े शोज बंद हो रहे हैं और अब 5 टीवी के बड़े शोज बंद होने जा रहे हैं। 5 बड़े शोज पर ताला लग सकता है। कौन कौन से हैं वो शोज, सुनकर हैरान हो जाएंगे आप। चलिए हम आपको टेली टॉकीज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बताते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेलीविजन इंडस्ट्री की चटपटी मसालेदार खबरों को जानने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर जिस शो का नाम आता है वो है जी टीवी पर आने वाला शो हमारी वाली गुड न्यूज। हाल ही में लॉकडाउन के दौरान इस शो की शुरुआत की गई। जूही परमार ने एक बार फिर से पर्दे पर इस शो से वापसी की, लेकिन अब इस शो को बंद करने का फैसला कर लिया है। जी टीवी पर आने वाला ये शो जल्द बंद हो जाएगा। तो वहीं दूसरे नंबर पर जिस शो का नाम आता है ये तो मात्र कुछ महीने पहले ही शुरू हुआ, इसको आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शो प्रतिज्ञा 2 की, जो कि स्टार भारत पर आता है। प्रतिज्ञा 1 का पहला सीजन सुपरहिट था, यही वजह है कि मेकर्स इसका दूसरा सीजन लेकर आए, लेकिन अब इस शो को बंद किया जा रहा है। तो वहीं तीसरे नंबर पर जिस शो का नाम आता है वो भी है स्टार भारत का शो राधा कृष्ण। सुमेध का ये शो काफी ज्यादा पसंद आता था। एक जमाने में इस शो की TRP सबसे ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब इस शो पर भी ताला लग रहा है। तो वहीं चौथे नंबर पर जिस शो का नाम आता है वो है जी टीवी पर आने वाला शो तेरी मेरी एक जिंदगी। हाल ही में शुरू हुआ ये शो अद्विक महाजन की शानदार एक्टिंग से सजा है। फैंस इस शो को काफी पसंद भी कर रहे थे, लेकिन पैसे ना होने की वजह से मेकर्स इस शो पर ताला लगा रहे हैं। तो वहीं पांचवें नंबर पर जिस शो का नाम आता है वो है सोनी पर आने वाला शो क्यों उठे दिल छोड़ाए। वैसे तो दर्शकों को ये शो पसंद आ रहा था, लेकिन इस महामारी में लोगों के पास पैसे नहीं हैं और ऐसे में मेकर्स भी ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं क्योंकि TRP नहीं आ रही है, जिस वजह से इस शो पर ताला लगेगा। वेल दोस्तों, ये थे वो 5 टीवी शोज जो अब जल्द ही बंद हो जाएंगे। इसमें से किस शो को आप करेंगे मिस, कमेंट्स में हमें जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।